करंट अफेयर्स क्या है, वो आपका एक डायनामिक पार्ट है, ठीक है। डेली आप देखते होंगे, जैसे कि न्यूज़पेपर रिकमेंड किया जाता है, द हिंदू न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ शकीबा एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अबाउट करंट अफेयर्स। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक हियर। Current affairs are regarded as an integral part of the UPSC exam and act as the backbone of your preparation. जो current affairs है वो UPSC exam का सबसे integral part है, ठीक है, और ये आपका as a backbone work करता है। आपको current affairs के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा knowledge होना चाहिए। Current affairs is the toughest and most engaging section to be studied for the IAS exam 2023. To have a strong foundation in this subject, candidates must develop a habit of reading current affairs daily, weekly and monthly to have a deeper understanding of what is happening in the country and the world. Okay, अगर आप चाहते हैं कि current affairs जो है वो आपका strong हो, ठीक है, क्योंकि current affairs सबसे ज़्यादा toughest part माना जाता है, since आप current affairs चाहते हैं कि आपका strong हो, तो आपको आपके world में क्या चल रहा है, India में क्या चल रहा है, ठीक है, जो भी news है, आपकी इंडियन न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट प्रॉपरली हाईलाइट, यूज बुलेट्स एंड टैग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल रीडिंग एंड डूइंग रिसर्च ऑन एनी करंट अफेयर्स टॉपिक। कैंडिडेट्स मस्ट रिलाई ऑन सोर्सेज लाइक द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एटसेट्रा अलॉन्ग विद अ मिक्सचर ऑफ नेशनल एंड मल्टीनेशनल न्यूज़। दिस पार्ट ऑफ द यूपीएससी एग्जाम इज डायनेमिक एंड वन मस्ट कीप ट्रैक ऑफ द लेटेस्ट न्यूज़ एंड इवेंट्स। ओके, करंट अफेयर्स क्या है, वो आपका एक डायनामिक पार्ट है, ठीक है। डेली आप देखते होंगे, जैसे कि न्यूज़पेपर रिकमेंड किया जाता है, द हिंदू न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, तो आप देखते होंगे कि डेली न्यूज़ आती है, ठीक है, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, और डेली जो न्यूज़ है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि ये डायनामिक चीज़ें हैं। इसलिए आपको नॉलेज हो, आपको क्या करना चाहिए, आपको डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, वीकली पढ़ने चाहिए, मंथली पढ़ने चाहिए। और हमारा जो प्लूटस आईएएस है वो आपको वीकली करंट अफेयर क्लासेस प्रोवाइड कराता है, न्यूज़पेपर एनालिसिस कराया जाता है आपको, आपको डेली, वीकली, मंथली सारे करंट अफेयर्स क्लासेस जो हैं आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट, Here are sub pointers for preparing for the UPSC current affairs exams. यहाँ पे आपको मैं कुछ points बता रही हूँ जिससे कि आप current affairs को prepare करने में थोड़ी आसानी होगी, like regularly reading newspapers and magazines. जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको regular the Hindu newspaper या the Indian Express, ठीक है, आपको जो भी जिसमें comfortable लगता है, either the Hindu और Indian Express, उसकी जो news होती है। अब ये भी आपको नहीं करना है कि आपको सारे news पढ़ने हैं, नहीं, आपको वही आर्टिकल्स पढ़ने हैं जो कि आपके यूपीएससी एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये नहीं कि आपको सारे आप आर्टिकल्स पढ़ दो, एडिटोरियल पार्ट्स में सारे आप पढ़ दो, जो आपका यूपीएससी के रिगार्डिंग है, उसके सिलेबस के रिगार्डिंग, वही आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट है यूज सोशल मीडिया वाइजली। अब जैसे क्या होता है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर हैं, फेसबुक हैं, या जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उससे भी बच्चे जो है न्यूज़ को फॉलो करते हैं, तो उससे भी आपको वही न्यूज़ फॉलो करनी है जो ट्रस्टवर्दी हो, ठीक है। ये नहीं कि आपको हर फेक न्यूज़ पे आप बिलीव कर लें, तो इसके लिए आपको करंटली एक्टिव होना पड़ेगा कि आप वही न्यूज़ पढ़ें, वही न्यूज़ देखें जो यूपीएससी के रिगार्डिंग सही है। ये नहीं कि आप फालतू की जो न्यूज़ है उसमें अपना टाइम वेस्ट करें, या फालतू की जो सोशल मीडिया ऐप्स है उस पर टाइम वेस्ट करें, ठीक है। आपको यूपीएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको करंट अफेयर्स हो या जो भी चीज़ें हैं, आपको यूपीएससी के सिलेबस के रिगार्डिंग ही करना होगा। नेक्स्ट है मेक नोट्स। अब जैसे कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, ठीक है, आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते होगे, तो क्या होता है, जैसे कि एक न्यूज़ आई, ओके, उसके बाद वही न्यूज़ एक आध हफ्ते तक आती रहती है, तो आपने वो न्यूज़ पढ़ ली, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको उससे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नोट्स ये भी नहीं कि आपको बहुत एक बुक लिख देनी है न्यूज़ बना बना के। बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरा न्यूज़पेपर जो है वो उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं कॉपी पे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, बट उससे शॉर्ट नोट्स बनानी है कि किस चीज़ पे न्यूज़ है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओनली दैट पार्ट। ओके, नेक्स्ट है सॉल्व प्रैक्टिस पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। ओके,
प्रैक्टिस पेपर्स आपको प्रिपेयर करने के लिए या फिर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और प्लस आप जब करंट अफेयर्स पढ़ती हो तो उसके जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपकी जो चीज़ें रहती हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग न्यूज़ हर दिन आती है और कभी कभी क्या होता है कि हम आगे का देखते पीछे का रिवाइज नहीं करते तो हम भूलते जाते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर जब आप करते हो या फिर करंट अफेयर्स रिलेटेड आप सॉल्व करते हो पेपर्स, तो आपका रिवीजन भी होता रहता है और जो पहले की चीज़ें रहती हैं आपको वो चीज़ रिमाइंड होती रहती है। ओके, ओके, सो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो करंट अफेयर्स है उसका वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स होता है वो करंट अफेयर्स से ही आपको गेन होता है। लाइक यहाँ पे कुछ साल के क्वेश्चन मैंने ये लिखे हुए हैं जिसमें करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। लाइक आप देख सकते हो 2017 में आपके 15 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, हाई वेटेज है। फिर आपके 2018 में 14 क्वेश्चंस हैं, देन आपका 2019 में 22 क्वेश्चंस है। दैट मीन्स कि अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स का ही पोर्शन करते तो भी आप काफ़ी मार्क्स गेन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका 2020 में 18 मार्क्स का है, ठीक है, 18 क्वेश्चंस हैं। 2021 में 27 एंड 2022 में आपके 29 क्वेश्चंस। अब आप सोच रहे होंगे 29 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से है, तो अगर आपने करंट अफेयर्स ही रिवाइज किया होता या उसकी अच्छे से प्रिपरेशन की होती तो आपके कितने सारे जो मार्क्स हैं, ठीक है, आप आधे से ज़्यादा मार्क्स तो आप यहीं से गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका वेटेज था करंट अफेयर्स का, तो इसलिए आपकी करंट अफेयर्स पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का GS1 का ट्रेंड एनालिसिस है। GS1, जैसे आपको पता होगा कि प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं, GS1 जो जनरल स्टडीज होता है, GS2 जो आपका CSAT का पेपर होता है। तो प्रीलिम्स में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं लाइक सब्जेक्ट वाइज आपका करंट अफेयर्स का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट। तो ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, इससे आप देख सकते हो कि किस ईयर में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आपको पुटअप किए गए थे, उसकी क्या रेंज है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।